Audio Jungle. ये नहीं करो। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर वन स्टेट है, जहाँ पर हर से हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट हर बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रबजब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो MLA साहब है, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकलें। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया, ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये आवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से एक हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावीह घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। ख़ास तौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियां सीज कर रहे हैं, नौजवानों को समझाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है, अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। ख़ासतौर से बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकलें, एक कोई भी जो 60 साल से ज़्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले, और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होने आपको या वेजिटेबल होना है या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पर दो दो लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी, एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम लोग यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए, हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत, पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था, सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि एक महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल एक महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर हैं, उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारे स्टेट में कोई आदमी भूखे से न रहे, फाका रहे। बहुत से लोग वॉलेंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है, ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, ये दूसरों के लिए अपनी जान का रिस्क लगाकर मुसलसिल लोगों को रोकथाम की जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि खास तौर से पुराने शहर के भाइयों के, क्योंकि यहाँ के केस की तादाद बढ़ रही है, आप एहतियात कीजिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकले, यही मेरी अदबन गुजारिश है। जो स्प्रे मारा जा रहा है यकीनन इससे बहुत से जो जरासीम शहर में रोडों पर है, दरों पर है, जहाँ कचरा डालते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू। 19 के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसमें हर डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे सीएम साहब के डायरेक्शन पर हर रोज हर डिपार्टमेंट का जो अपना जिम्मेवारी है उसके तहत काम हो रहा है। आज हमारे इसके नीचे करो हरदील अजीज साहब हम लोगों को एनकरेज करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पूरे एरिया को, चार मीनार के अतराफ पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हमारे MLA साहब, DG फायर सर्विसेज, सभी लोगों मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो जो कहीं भी छोटे मोटे इन्फेक्शन्स है वो इस केमिकल से ख़त्म हो जाएंगे।
दूसरा चीज इससे एक पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि गवर्नमेंट के तरफ से हर जगह हर लेंस में हर बाई लेंस में डिसइंफेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी फायर टेंडर है वो 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग तक का इसका पानी का प्रेशर जाता है, और जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट 140 के लगभग बुलेट हैदराबाद में है, जो कि छोटी छोटी गलियों में भी जाने का जिसका कैपेसिटी है, तो ये सब पब्लिक के लिए है गवर्नमेंट के तरफ से। और आज ऐसे मौके पे खास करके जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं और खुद यहाँ पे अपने अपनी कंसर्न को बता रहे हैं कि हम लोग कितने ज़रूरी लगे हुए हैं पब्लिक के सर्विस के लिए, ऐसे मौके पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि घर के बाहर आप ना आएँ। ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप घर के बाहर आ जा रहे हैं और बाहर से आप अंदर फिर कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, तो उनकी खातिर कम से कम घर के बाहर न जाएं। शुक्रिया। हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पे पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है, और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है, साफ सफाई का इंतजाम है, और खुसूस कर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे सीपी साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मैं भी इसी इलाके का MLA हूं, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बिला ज़रूरत खुसूस कर हमारे नौजवान सड़कों पर घूम कर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है, तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप थोड़ा तो भाई थोड़ा तो भाई।